आप टेक्नोटेक जीपीएस का कोई भी वीडियो देख रहे हो तो आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, इस पे सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बगल में बेल आइकन है, इसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपके पास किसी भी कंपनी का कैसा भी जीपीएस है तो आप हमें कॉन्टेक्ट करके उसको चालू करा सकते हैं। नीचे आपको नंबर दिए गए हैं, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ईमेल भी कर सकते हैं। कैसा भी जीपीएस हो आप उसको ऑनलाइन मैप के ऊपर चलता हुआ देख सकते हैं। फिर हेलो दोस्तों, आज हम लगाने वाले हैं क्रेटा के अंदर जीपीएस, वो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से लगा। इसको खोल लेंगे, पेचकस डाल के ये खुल गया। अब इसके अंदर दो नट हैं, ये खोल लेंगे और ये हमारी लाइट जो है बाहर आ जाएगी। अब ये हमारी लाइट जो है इजीली बाहर आ जाएगी, ये बाहर आ गई। अब इसको निकाल लेंगे हम दबा के। अब इसमें कनेक्शन आता है डायरेक्ट एक, अब हम मीटर ले लेंगे, मीटर को 20 पे कर लेंगे और इसको बॉडी अर्थ दे देंगे हम वायर। ये हमने बॉडी अर्थ इधर लगा दिया है, ये आपका यहाँ पे बॉडी अर्थ लग गया। अब हम चेक करेंगे किसमें हमारी डायरेक्ट आ रही है, इसमें नहीं आ रही, इसमें नहीं आ रही। ये देख लो, इसमें 12 वोल्ट आ रही है डायरेक्ट और इनमें किसी में नहीं आ रही होगी, इसमें किसी में नहीं। ये इसमें ऑरेंज वायर है जिसके अंदर आपका 12 वोल्ट है। और यहाँ पे दोस्तों एसीसी आती नहीं है, तो इंजन कब ऑन होता है कब ऑफ होता है वो नहीं पता कर सकते हम। लेकिन यहाँ पे आपकी जो गाड़ी है वो 100% सेफ होती है चोरी होने पर। तो दोस्तों चलो अब हम इस पर कनेक्शन करते हैं, थोड़ा सा कोशिश करेंगे वायर को अंदर से बाहर की तरफ निकालने की। बस इसमें एक ही दिक्कत होती है कि दिक्कत नहीं है वैसे तो, वो चोरी का पर्पज़ है अगर आपका, तो इसके अंदर आपका एसीसी का पता नहीं चलता है, इग्निशन का मतलब कब गाड़ी की बंद हुई कब चालू हुई नहीं पता चलता। लेकिन अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है तो वो मिलती लगभग 100% है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जीपीएस कोई लगाता नहीं है। तो भैया चोरी का पर्पस है ना, तो आपका यही सबसे बढ़िया है। दोस्तों इसमें मैंने चेक कर लिया है, इसके ब्लैक के अंदर अर्थ अच्छा आ रहा है। तो अभी मैं इसको टेप कर देता हूँ, टेप का। और इसको हम टेप पहले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके साथ में जब हम अर्थ देंगे और गलती से टच हो गया तो हमारा फ्यूज उड़ जाएगा और हमारा टाइम वेस्ट होगा फ्यूज ढूंढने में इसका, इसलिए हम पहले इसको टेप कर देते हैं। बस इसमें ना आपको फ्यूज का ध्यान रखना है, फ्यूज ना उड़े। फ्यूज उड़ गया तो आपका 1-1.5 घंटा खराब हो जाना है इसमें, फ्यूज बॉक्स में फ्यूज ढूंढ रहे। वैसे इस फ्यूज को बोलते हैं डोम लाइट, उसमें लिखा होता है फ्यूज के अंदर, फ्यूज बॉक्स में। अब हम बॉडी अर्थ इसमें देंगे, ब्लैक में बॉडी अर्थ आ रहा है। हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, हमने एसीसी और रेड को डायरेक्ट में दे दिया है ताकि जीपीएस को लगे कि मैं ऑलवेज चालू हूँ। अब हम एक डबल टेप ले लेंगे और डबल टेप से इसको नंबरिंग साइड पे नहीं लगाना है क्योंकि जीपीएस हमारा इस तरह रहना चाहिए तो बेस्ट लोकेशन देता है। हम एक साइड जो है इसकी यहाँ पर देख लेंगे, कुछ अच्छी सी जगह यहाँ पर लगा देंगे, ये इसके अंदर जगह अच्छी है। हम उसके ऊपर चिपका देंगे, दोस्तों मैं इसलिए कह रहा था इसको दूर से कनेक्शन करने। देखो अब कुछ पता नहीं चल रहा इसके अंदर, अब हम इसमें इसको लगा देंगे। ये हमारी वापस पैक हो गया, जीपीएस हमारा ऑनलाइन हो चुका है।